हेलो दोस्तों, तो स्वागत हमारे के सो न्यू वीडियो में। दोस्तों तो आज का बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूपी के अंदर जो बरहाइंच है, मतलब बरहाइंच एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मतलब थाने में शादी रचाई गई। मतलब दो साल से इनका रिलेशनशिप चल रहा था लड़की का, तो मतलब लड़का वाले के माँ बाप मान नहीं रहे थे। तो लड़की ने अपने वालिद साहब के साथ गया थाने में और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद दोनों की शादी कराई गई। थाने में ही निकाह पढ़ाया गया। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको दिखा सकता हूँ रिपोर्ट वगैरह, तो आप सही से देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अभी आर्टिकल, आप पढ़ सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैं आर्टिकल लगा दिया हूँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बरहाइंच में पुलिस ने प्रेमी युगल को एक कर दिया। परिजनों का मना कर पुलिस ने उनका निकाह थाने में ही करा दिया। जी हाँ दोस्तों, इनका थाने में ही निकाह पढ़ा दिया। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं जागरण का है, साथ ही साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक दूसरे के साथ शादी में बंधन में बंधने के लिए राजी रहे, लेकिन सवजन में रजामंदी नहीं बना पा रहे थे। दोस्तों मतलब कि लड़की वाले के माँ बाप तो मना रहे, मतलब सही थे, राजी थे, पर लड़का वाले जो थे वो मान नहीं रहे थे। लड़का का नाम इखलाक था, लड़की का नाम सवजन। तो मतलब लड़की का माँ बाप तो मान रहे थे, पर लड़के का माँ बाप नहीं मान रहे थे। लड़के का माँ बाप बोले कि नहीं, हम नहीं ये रिश्ता करेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो भी हुआ ऐसे वैसे, उसके बाद फिर दोनों को मिला दिया गया एक साथ। दोस्तों तो आपके हिसाब से ऐसा होना कैसा लगा, मतलब अच्छा हुआ या गलत हुआ, आप सभी को कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि इन्हें क्या करना चाहिए था, थाने में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था शादी वगैरह, या तो फिर मतलब और थोड़ा वेट करना चाहिए था शादी का और इंतज़ार करते, काश मान जाते एक आग जाते बाद। तो आपका क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।